उज्जैन अजाक्स और भारतीय बौद्ध महासभा का संयुक्त महाकुंभ संपन्न हुआ। उज्जैन के तरणारोह पर कनीपुरा में आने वाले वैश्य टेकरी बौद्ध स्पूत पर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी अजाक्स जिला उज्जैन का जिला सम्मेलन उज्जैन में वैश्य टेकरी बौद्ध स्पूत पर संपन्न हुआ, जहां पर मध्य प्रदेश के शहर में निवास करने वाले बौद्ध भक्त पहुंचे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैश्य टेकरी बौद्ध स्पूत की महत्व और लोग जान सके कि यहाँ अतीत को समझ सके, इस पर चर्चा हुई और कार्यक्रम आयोजित हुआ। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक रामलाल साहू, विधायक महेश परमार पहुंचे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका, उनका बहुत सहयोग इस कार्यक्रम में रहा, बहुत ही मदद की है, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें पूरे ग्रुप का, धन्यवाद, थैंक यू। आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जो है बढ़ाने में क्या काम लगाएंगे, ऐसी हजार जिला उद्यम की विभूतियों के कारण महा जिनका ऐसा कोई महान इतिहास रहा है, ऐसे सब कारणों से उज्जैन बनता है, इसलिए उज्जैनी का एक नाम अवन व्यवस्था में उज्जैन का सदैव अस्तित्व रहा। तो लगभग 2500 साल पहले से जब महाकात्यायन का समय था, हमको मालूम है वो कठिन काल परंपरा चलती रहती, ऐसे महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लिया, उनने हमेशा उस समाज की उस समय की कुरीतियों के खिलाफ जीवन की सही दृष्टि में ले जाने का प्रयास किया, पूरा समाज उनका राजी संत बनते हैं। ये वास्तव में अग्नि कलर है, इनके जीवन को तपा के ये हमको उष्मा देते हैं, सही मार्ग पर ले जाते हैं, सही जगह ले जा करके जो वर्तमान में सही होता है उस दिशा में दृष्टि देने का। और कहा था कि हम सबसे पहले भी समाज के हैं और इन संविधान में ये आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन का नहीं होता, तो हम आज विधायक नहीं होते। मैं ऐसे माननीय विधायक का अजाक्स की ओर वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अजाक्स एवं बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन में उपस्थित बाल योगी संत उमेदनाथ जी महाराज साहब अभी हमारे बीच से आपके बीच में बोल के गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ बंते राहुल जी, मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दिया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ कहा, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। अजाक्स के प्रांतीय महासचिव माननीय सूर्यवंशी साहब, अजाक्स के प्रांतीय सचिव आदरणीय गुणावतिया साहब, अजाक्स के प्रांतीय महासचिव माननीय गौतम पाटिल साहब, प्रांतीय सचिव अजाक्स आदरणीय महेश जी सिरोलिया साहब, विरोलिया साहब विभागीय। आपने कहा कि अजाक्स एक सम्मेलन है, एक हमारी शाखा है, पहले होती थी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करती थी, नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं, उस समय भी हम सब लोग अपने अधिकार की बात करते थे और वो अधिकार की बात हम लोग करना चाहिए, न करेंगे भी सही, उसमें कोई अतिशय की क्या भागीदारी होना चाहिए। मैं घटिया विधानसभा क्षेत्र में, एक कानीपुरा एक छोटा सा गांव है और इस गांव में इतना बड़ा पुरातत्व विभाग का हमारा बौद्ध सभा का जो स्तूप है उसको किस प्रकार विकसित किया जाए, उसको विकसित करने में मेरी जहां भी आवश्यकता लगे मैं आपके साथ हूं और मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि बजट में जो आपने 17 करोड़ का हम लोगों को पत्र दिया उसको सम्मिलित किया जाए और इस कार्य में विधायक निधि से भी जहां भी पैसा लगेगा आप बोलेंगे माननीय वो भी मैं देने को तैयार हूं। आप कहें इतना पैसा आप लोगों को देना है, मैं घटिया विधानसभा का एक सदस्य होने के नाते, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते, आपका सेवक होने के नाते अजाक्स का बहुत आभारी हूँ और आपका बहुत बड़ा सहयोग है हम लोगों के साथ और उन्हीं सहयोग के साथ हम अगर अपनी को जनता तक पहुंचा सके और बात को हकीकत में लाकर जमीन पर उतार सके उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। मैं पुनः अजाक्स के हमारे सभी साथियों को, बौद्ध महासभा के सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि हम लोग को यहाँ बुलाया। जय भीम और बाबा साहब के फोटो लगा के अनुयायी बनने का दिखावा करते हैं, मैं मानता हूं ये बात सही है। जिस दिन इस खाई को हम दूर कर देंगे, इस दूरी को हम दूर कर देंगे, वो दिन दूर नहीं कि चाहे कोई भी शासक हो संविधान को 100% लागू करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इस देश में
जो जनसंख्या है पिछड़ों की लगभग आईएएस नहीं होते थे, एचओडी नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे समय 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 परिवर्तन हो रहा है। आज कई प्रदेशों में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड में हमारे अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश में भी लगभग 5 जो है अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री हैं, और ओबीसी का देखा जाए तो मुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री हैं। दोस्तों, ये संविधान के कारण ही बदलाव है, संविधान का ही फल है। हमें इस पवित्र भूमि पे दृढ़ निश्चय करना होगा कि हमें संविधान को आगे रखकर सभी, और एक प्रकार हम कहते हैं, सब अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि हमारे विधायक, हमारे सांसद हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। दोस्तों, चूंकि अधिकारी कर्मचारियों की संख्या यहाँ ज्यादा है, मैं आप लोगों से निवेदन पर है, क्या नाम से जाना जाता है, किस क्या इसका महत्व है? ये कानीपुरा के नाम से जाना था, और अधिकाल में इसको कांचन वन से नाम से पुकारा जाता था जी। उस टाइम में मतलब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, वो अस्थियाँ उनके अस्थि कलश लेने के लिए गए थे, तो यहाँ से हमको चिवर आसंदी मिली, उस पर निर्मित हुआ अपना अशोक, राजा अशोक ने इसका निर्मित किया, और इसका विस्तार करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या नाम है इस कार्यक्रम का और क्या रहा? बौद्ध महास्तूप महोत्सव। महोत्सव कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचे थे? यहाँ से महाराष्ट्र से है, मऊ से है, इंदौर से है, और आसपास के जिले नागपुर से भी, नागपुर से भी है, मतलब मार्च से। ठीक सर, बताइए आज का कार्यक्रम किस प्रकार से आयोजित किया गया, किस प्रकार से तैयारियां की गई थी, और क्या इस कार्यक्रम का नाम रहा, क्या रहा? लगातार एक महीने से बौद्ध महासभा उज्जैन और यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से अनुमति से लेकर इंदौर, उज्जैन और अन्य संभागों की टीम से लगातार चर्चा विमर्श करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। ये पुरातत्व संरक्षण में है ये जगह, और इस पुरातत्व संरक्षण को नई स्मारक बनाने के लिए या इसको पुनर्ूप से अपने पुनर्विभव के रूप में स्थापित करने के लिए, इस तरह से सम्राट अशोक ने भारत से लगा के नेपाल तक, अफगानिस्तान तक और पाकिस्तान तक अपनी सीमा को परिष्कृत किया था, और अशोक का काल जो है स्वर्णमय काल का आया था, उस काल को पुनः अजाक्ष और भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा इस महास्तूप को पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः नव परिवेश में लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। किस प्रकार से तैयारियां थी आज के कार्यक्रम की, और कहां कहां से लोग पहुंचे, और किस प्रकार से क्या सम्मान आयोजित किया गया, और क्या रहा? ये जो कार्यक्रम था मूलतः भारतीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम था, और 7-8 वर्षों से बौद्ध महासभा के लोग ही इस कार्यक्रम को करते थे, लेकिन क्या उसमें इतना गेटअप नहीं आ पा रहा था, और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए मध्य प्रदेश सजग जिला उज्जैन के माध्यम से इस कार्यक्रम को किया, और दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज हमने इस आयोजन को रखा, जिसमें उज्जैन जिले की सारी तहसील के तहसील अध्यक्ष महोदय, और हमारे मध्य प्रदेश के सारे जिले के जिला अध्यक्ष महोदय, और प्रांतिक सारे पदाधिकारी लगभग जो आ सकते थे वो आए। एक मिनट मान्य कर, आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में आने वाले थे, किसी प्रशासकीय कारण के कारण नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और कार्यक्रम की शुभकामनाएं। आपकी विधानसभा क्षेत्र में स्तूप आता है, किस प्रकार से आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस प्रकार से धरोहर है, और क्या है? विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बौद्ध महास्तूप जो स्थापित है, उसका विकास करने के लिए मैं अजास्त सभी साथियों को बधाई देता हूँ, बौद्ध महासभा के सभी साथियों को बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार इस स्तूप को जल्दी से जल्दी पूरा करे, इसमें जहाँ हम लोगों की आवश्यकता लगे हम लोग सरकार के साथ हैं, और सरकार इस काम को पूरा करे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।